नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 7 तक देख रहे थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि इफ 3 cot a = 4, चेक वेदर 1 - tan² a / 1 + tan² a = cos² a - sin² a और नॉट। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 cot a = 4 दिया गया, तो हम लोग को चेक करने के लिए कह रहा है कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है या नहीं। बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 cot a = हम लोग दिया गया 4। यहाँ से बताइए यदि cot a का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में 30 आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में क्या होता है, p होता है। ओके, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे a है, ओके, ये बी और ये सी है। अब देखिए ए के ठीक सामने, क्योंकि हम लोग ए एंगल का बात कर रहे हैं, ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा बताइए, बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए P का वैल्यू दिया गया, B का वैल्यू दिया गया, तो हम क्या करें पहले H का वैल्यू निकाल देंगे। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ P का स्क्वायर, तो P कितना है बताइए, 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। H इक्वल टू हो जाएगा √ 9 + 16, तो ये √25, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए हम लोग को चेक करना है, पल वैल्यू निकालना है 1 - tan² a / 1 + tan² a, इसका पल वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग 1 - tan² a, तो इसको हम क्या tan² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, अपॉन में 1 + tan a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan a का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। देखिए तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p अपॉन में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो tan a p a के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 3 अपॉन में बेस कितना है, 4, क्योंकि 90 डिग्री से हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो tan a का वैल्यू कितना होगा, 3 / 4, इसे पुट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट वेरिएबल से क्या रिजल्ट आता है, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो tan a का वैल्यू कितना आया, 3/4 आया था, तो हो जाएगा 1 - tan a की जगह पे यहाँ पे 3/4 पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 - 9/16 / 1 + 9/16, 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना, 16। कैल्शियम ले लीजिए, 16/1 कैल्शियम हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 × 16 16 टाइम्स में ये जाएगा 16 - 9/16 + 9/16, ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 - 9 कितना होगा, 7/16 + 9 कितना होगा, 25। तो 7/25 दोस्तों इसका वैल्यू आया, 1 - tan² a / 1 + tan² a का वैल्यू। ओके, अब हम चेक करना है कि ये वैल्यू जो होगा इक्वल होगा किसके, cos² a - sin² के कि नहीं। तो देखिए सेकंड पार्ट से चेक करेंगे, देखिएगा नाउ ये सेम वैल्यू इसके आ गया, देखिए cos² a - sin² a के, ये वेरीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। चेक करना है कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, ये वैल्यू इसके इक्वल होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए cos² a को हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, cos² a - sin² a। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cos a का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, cos a का, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b / h, और sin a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p / h। आगे देखिए देखिए पीछे फिगर हम लोग यही दिया गया था, a का बात हो रहा था यहाँ पे, एंगल a का, cos a b / h, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। साइन है p / h,
ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर की हो जाएगा 3/5। वैल्यू रखिए यहाँ पे क्या रहता है कॉसेक का स्क्वायर, तो कॉसेक का वैल्यू कितना है 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन है, साइन का वैल्यू कितना 3/5। सॉल्व कीजिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। आगे देखिए तो 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 16-9 ये हो जाएगा दोस्तों 7/25। तो देखिए ये भी वैल्यू कितना 7/25 आया था और ये वैल्यू कितना आया, दोनों वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम लोगों को चेक हो गया कि दोनों क्या इक्वल है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 1-10²/1+10² इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यह हो जाएगा वेरीफाइड। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो किस पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है, तो पहले ट्रायंगल पहले बना लीजिए। तो बी पे 90 है तो बी यहाँ रख दीजिए, ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, ए यहाँ रख देते हैं सी यहाँ पर रख देते हैं। और आगे दिया गया है कि टेन ए इक्वल टू 1/√3 है, देखिए यहाँ पे गिवन में टेन ए इक्वल टू 1/√3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है बी पी अपॉन में क्या होता है बी होता है, ए के ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 1 है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो बेस कौन हो जाएगा ये √3। देखिए पी और बी दिया गया तो हम पहले एच पहले फाइंड कर लेंगे, तो एच निकाल देखिए एच इक्वल टू क्या होता है √P² + B² तो पी कितना है 1, तो 1² + B यानी कि √√3² आगे देखिए 1² तो 1+√3² कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो h का वैल्यू हो जाएगा √4 का वैल्यू कितना हो गया 2 यहाँ पे 2। ओके अब हम लोगों को इस दोनों का वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, फिर सेकेंड में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये सारा वैल्यू पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या रिजल्ट आता है, देखिए पहला वैल्यू इसका निकालना साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सारा वैल्यू हम लोग दोस्तों यहाँ पर पहले निकाल लेंगे इसका इसमें ऐड कर देंगे। देखिए पहला है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी अपॉन में एच, देखिए पी क्या हो जाएगा ए के ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 1/ हाइट सॉरी हाइपोटेनस हाइपोटेनस यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना कॉस सी का, तो बी अपॉन एच तो सी के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। ओके फिर है कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा बी अपॉन एच ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा कितना √3/2। ओके एंड लास्ट निकालना हम लोग साइन सी क्या हो जाएगा पी अपॉन में एच तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये √3/H हो गया 2। आगे देखिए ये सारा वैल्यू को इसमें रख दीजिए, साइन है देखिए साइन का वैल्यू कितना 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना √3/2 साइन सी का वैल्यू कितना √3/2। आगे देखिए तो 1 × 1 हो जाएगा 1/2 × 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3² देखिए सॉरी यहाँ पे इंटू है ठीक है इंटू है देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस सी था यहाँ प्लस दे दिए थे तो कॉस ए इंटू कॉस सी तो √3 × √3 कितना हो गया √3² और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/4 एलसीएम सेम है 4 ये हो जाएगा 1+3 ये हो जाएगा 4/4 ये कैंसिल हो गया इसका आंसर कितना आ गया 1।
पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखिए देखिए सर, सेकेंड पार्ट दिया गया कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले कॉस ए का पहले वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, तो ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा रूट थ्री और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर कॉस सी का वैल्यू निकालिए, बी अपॉन एच, तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि जिस एंगल का बात हो रहा है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस यानी कि वन अपॉन टू। अब साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन ए बोलिए साइन थीटा बोलिए क्या सेम, एंगल क्या है सेम होता है, एंगल भले ही चेंज होगा लेकिन वैल्यू उसका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, एक ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये रूट थ्री अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना टू। साइन सी का वैल्यू सी, सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा ये, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन ए, देखिए यहाँ पर साइन ए का बात हो रहा है, एक ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा टू। साइन सी का वैल्यू सी के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर रूट थ्री और यह हाइपोटेन्यूस। ओके अभी सारा वैल्यू किसमें पुट कीजिए, देखिए वैल्यू किसका निकालना, कॉस है, देखिए कॉस का वैल्यू कितना रूट थ्री अपॉन टू इन टू कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना वन अपॉन टू माइनस साइन है, साइन का वैल्यू कितना वन अपॉन टू इन टू साइन सी का वैल्यू कितना रूट थ्री अपॉन टू। ओके आगे देखिए रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट थ्री बाई में टू टू जो हो गया फोर माइनस रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट थ्री अपन टू टू जा फोर, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ गया जीरो आ गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।